गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट, टुडे इज योर सेकेंड क्लास। टुडे वी शैल रीड अबाउट फ्रैक्शन। इन योर प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न इट अबाउट फ्रैक्शन, ऑल्सो अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। टुडे वी शैल लर्न द मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ द फ्रैक्शन। आज हम लोग भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में आप भिन्न का जोड़ और घटाओं के बारे में जान चुके हैं। इस चैप्टर में हम लोग भिन्न के गुणा और भाग के बारे में जानेंगे। फ्रैक्शन के कुछ डिफिनेशन दिए गए हैं, इसको याद रखना होगा। व्हाट डज ए फ्रैक्शन डिनोट? ए फ्रैक्शन डिनोट्स ए पार्ट ऑफ ए ग्रुप और ए होल। इट इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ए बाय बी, हुएर ए एंड बी आर होल नंबर्स एंड बी इज नॉट इक्वल जीरो। ए बाई बी में ए को हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं। न्यूमरेटर को हिंदी में अंश कहा जाता है, जबकि बी को डिनोमीटर कहा जाता है। डिनोमीटर का अर्थ होता है हर। सबसे पहले आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमीटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, एज फॉर 2/5, 8/9 etc. दूसरा फ्रैक्शन आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज इक्वल टू और मोर देन द डिनोमीटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड नंबर में आता है मिक्सड फ्रैक्शन। ए नंबर व्हिच इज एक्सप्रेसड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए मिक्सड फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1 whole 1/2, 3 whole 4/5, 9 whole 2/7। कुछ एग्जाम्पल आपके किताब में दिए हुए हैं, उस एग्जाम्पल का रीडिंग कीजिएगा। नेक्स्ट फ्रैक्शन आता है डिसिमल फ्रैक्शन। वह फ्रैक्शन जिसका हर 10 हो या 10 का पावर हो, उसको हम डिसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन डिनोटिंग द सेम शेयर आउट ऑफ द होल या ग्रुप इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। वह भिन्न जिसका डिनोमिनेटर जो होता है हर सेम होता है, एक ही जैसा होता है, उसको हम समान भिन्न कहते हैं। और जिस भिन्न का डिनोमिनेटर अलग अलग होता है, उसे हम असमान भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल में आपको कन्वर्ट करने के लिए आएगा, जैसे 2/3 एंड 3/4 इंटू लाइक फ्रैक्शन। इसको लाइक फ्रैक्शन में कैसे हम बदलेंगे? सबसे पहले हम डिनोमीटर का एलसीएम निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको बनाते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म। किसी भी फ्रैक्शन को हम लोवेस्ट टर्म में कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं और एचसीएफ से उस दोनों नंबर में डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो आता है वह लोवेस्ट टर्म में कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है, 2 और 2 से अधिक भिन्न को कैसे कंपेयर किया जाता है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ पेज नंबर 24 में 1 और 2। ठीक उसी प्रकार एग्जाम्पल 3 में स्कैंडिंग और डिस्कैंडिंग के बारे में बताया गया है। ऐड और सब्ट्रैक्ट आप पिछले क्लास में ही पढ़े हुए हैं, एग्जाम्पल में भी आपको समझाया हुआ है। एग्जाम्पल का हेल्प आप लेकर एक्सरसाइज 2A, 2B, 2C और रिव्यू एक्सरसाइज आप कंप्लीट करके रखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे मोबाइल का नंबर है 9931421136, इस पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फंसता आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो आप कॉल के द्वारा समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।